तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक जाधव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के केवाईसी के बारे में। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडियन बैंक ने केवाईसी के लिए कुछ अपडेट्स किया है, केवाईसी के लिए अपडेट्स क्या किया है, केवाईसी करवाना यहाँ पे कुछ अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य इसलिए किया है कि इंडियन बैंक का जो यहाँ पे कुछ अकाउंट है उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ अपडेट आई है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से कैसे कैसे क्या है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इंडियन बैंक जैसे आप लोगों को पता है इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक के साथ मिल चुका है, मर्ज हो चुका है, एक हो चुके हैं। तो यदि आप इलाहाबाद बैंक के कस्टमर थे तब भी और इंडियन बैंक के कस्टमर थे तब भी सभी के लिए अपडेट्स है। अपडेट्स ये है कि जैसे आप साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडियन बैंक ने कुछ अपडेट्स किया है कि आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए या ईमेल के थ्रू आप अपना केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू सबसे पहले बताऊंगा केवाईसी कैसे कंप्लीट करवाएंगे। आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना खुद का सिग्नेचर करना है उस पर, और क्या करना है साथ में एक एप्लीकेशन लिखना है केवाईसी के लिए, और ये तीन चीज़ें आपको मतलब एक लिफाफे में करके अपने ब्रांच के एड्रेस पे भेजना होगा होम ब्रांच के, और तब जाके आपकी केवाईसी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जो दूसरा है वह ईमेल के थ्रू है, ईमेल के थ्रू आप केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी आधार कार्ड पैन कार्ड का क्या करना है आपको स्कैन करके और वहाँ पे मतलब आपको अपना सेल्फ अटेस्ट करके PDF फॉर्म में भेजना होगा। और उसके बाद आपको कैसे भेजना है क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपके अपने ब्रांच के ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं इनका मतलब PDF वगैरह बना के, अपना आधार कार्ड का पैन कार्ड का सिग्नेचर करके मतलब सेल्फ अटेस्ट करके और एक एप्लीकेशन का भी PDF बना के आपको क्या करना होगा, मेल करना होगा। मेल कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपके बैंक ईमेल आईडी क्या है, आपके होम ब्रांच की ईमेल आईडी क्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, ब्रांच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जो नीचे दिया गया वहाँ पे आप अपना पिन कोड, आपके अपने एरिया का पिन कोड या दोस्तों आप अपने सिटी का कोड डालकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे आपके ब्रांच वगैरह शो होने लगेंगे। ब्रांच पे क्लिक करिएगा और नीचे आपका यहाँ पे जो बैंक का जीमेल जैसा मैं दिखा रहा हूँ साइड में इस तरह से ईमेल आईडी होगी, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल अपने जीमेल से करना होगा। PDF फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड और जो एप्लीकेशन है इनको सेल्फ अटेस्ट मतलब अपने सिग्नेचर करके PDF फॉर्म में करके और इनके ईमेल पे सेंड करना होगा। ईमेल कुछ इस तरह से होगा जैसा मैं साइड में दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपके भी ब्रांच का ईमेल होगा। आप यहाँ पे अपना पिन कोड या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।